बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रीजनिंग का वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकल और लॉजिकल सेट ऑफ पिक्टोरिकली एज सर्कुलर एज इन ट्रायंगल्स। जो हमारे पास ये मैथमेटिकल एंड लॉजिकल सेट्स होते हैं वेन डायग्राम में, हम शो करते हैं पिक्टोरिकली एंड सर्कल्स में शो करते हैं इन ट्रायंगल्स समटाइम्स कर्व्स, तो इसमें हम ये शो करते हैं। अब हम देखेंगे इसके इसमें एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल के साथ हम समझा रहे हैं। एग्जाम्पल में इसमें क्या है, जैसे हमारे पास एक सेट है, ए इज ए सेट 1 2 3 4 मैथमेटिकल सेट है, बी एक और सेट है, ये सब सेट है किसका, ए का 2, 3 इसमें एलिमेंट्स हैं। अब देखो इसको हम पिक्टोरिकली सर्कल्स में शो कैसे करेंगे, जैसे वेन डायग्राम में हमें बोल रहे हैं कि ए का हम सर्कल बनाएंगे, ऐसे ए का सर्कल बनाएंगे बड़ा, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट्स हैं। अब भी एक और सेट है हमारे पास, इसको भी इसी या तो इसके साथ कोई ना कोई रिलेशन होगी, या तो ऐसे बाहर आएगा, या तो इसके बीच में आएगा, या तो आधा इसका होगा आधा इसका होगा, या तो ऐसे इसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन इसके साथ होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके साथ कौन से रिलेशन है इसकी, तो बी जो है, बी के एलिमेंट जो है बी सबसेट है, तो इसके अंडर आएगा ये, इसके अंदर आएगा ये, बी के एलिमेंट 2, 3 उनका सर्कल यहाँ बनेगा, तो इसकी इसका जो आंसर रहेगा वो ये वाला रहेगा, ए एक सेट है बी इसके अंडर आता है। कभी ये ऐसे भी आता है, यानी ए के एलिमेंट्स कुछ बी के साथ मिले हुए हैं, पूरे नहीं है, जैसे यहाँ पूरा अंडर आता है। कभी ऐसा आता है, कभी ऐसा भी आता है कि एक सर्कल यहाँ है एक सर्कल यहाँ है, नो रिलेशन, इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। इसी तरह बहुत सारे सर्कल्स आएंगे हमारे पास। अब हम देखेंगे क्वेश्चनस, जो पिछले 2-3 सालों में क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चनस देखेंगे हम, हमें अच्छे से समझ आएगा ये वेन डायग्राम है क्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा रहेगा, द लास्ट ईयर आया था, 2-3 चीज दिए है हमारे पास, स्नेक्स रेप्टाइल्स और एक है पॉइजनस। देखो क्या है इसमें ऑप्शंस दिए हमें, एक ऑप्शन ये दिया है मेरे पास, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ ये दिया है मेरे पास। देखो अब इनकी रिलेशन क्या है, इनको हम कैसे शो करेंगे। देखो स्नेक्स जो है, स्नेक्स एक रेप्टाइल एनिमल है, ठीक। पॉइजनस क्या है, आधे रेप्टाइल्स पॉइजनस हो सकते हैं, स्नेक्स तो पॉइजनस है, आधे रेप्टाइल्स पॉइजनस हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं, आदि नहीं हो सकते हैं। देखो पॉइजनस है हमारे पास, रेप्टाइल्स है हमारे पास एनिमल्स, ठीक। तो स्नेक्स तो रेप्टाइल्स है, इसके अंडर आएगा। अब क्या है, ये है पॉइजनस, स्नेक्स तो पॉइजनस है, अब रेप्टाइल्स आधे पॉइजनस होंगे आधे पॉइजनस नहीं होंगे, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीरियल में, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स रनर, जो स्क्वायर है इसमें, ये स्क्वायर है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रनर्स। ट्रायंगल रिप्रेजेंट साइंटिस्ट्स, जो ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, साइंटिस्ट्स। सर्कल रिप्रेजेंट इंडियन, जो सर्कल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडियंस। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स मदर्स, जो रेक्टेंगुलर हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर्स। तो इसके बाद एक क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, विच सेट ऑफ लेटर, देखो सब लेटर इसमें दिए हैं, इसमें कौन सा लेटर है, सब में लेटर है, अपने अपने लेटर, विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट इंडियंस हु आर रनर्स। देखो इंडियंस हमें पता है कौन से हैं, सर्कल में इंडियंस कौन से हैं, जी सी बी ए डी, क्योंकि ये सब सर्कल में आते हैं। अब देखो रनर्स कौन से हैं, रनर्स स्क्वायर वाले हैं, तो स्क्वायर में कौन सा है जो सर्कल में भी है, जो स्क्वायर में भी होगा सर्कल में भी होगा, जो रनर में भी होगा इंडियन में भी होगा, वो दो कौन से हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे ए एंड डी, क्योंकि बी यहाँ पे है, बी स्क्वायर में नहीं है, सर्कल में है स्क्वायर में नहीं है, देखो ए सर्कल में भी है स्क्वायर में भी है, अब ई स्क्वायर में है सर्कल में नहीं है, दो एलिमेंट्स दो लेटर्स हमारे पास ऐसे हैं ए और डी। और ऑप्शंस में देखेंगे हम ए और डी ऑप्शन नंबर सही, इसका ऑप्शन नंबर टू इसका सही है। तो ये है बहुत इजी क्वेश्चन, एक बार समझ में आना चाहिए तो इसके बाद बहुत इजी होता है ये करना। तो हम एक क्वेश्चन खुद करेंगे, खुद एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल हम लेंगे 3-4, जैसे कोई मैन लेंगे हम, सिराज लेंगे, मैंने भी बनाया था समद लेंगे, सिराज समद अफसा एंड एक और लेंगे मैन। अब देखो सिराज मैन है, समद मैन है, अफसा वुमेन है,
देखो ये तो मेन है, मेन का पहले हम सर्कल बनाएंगे, फिर देखेंगे ये सिराज और समझ ये दोनों मेन है, मेन में आएंगे। अब क्या है हफ्सा, हफ्सा जो है ये मेन नहीं है, इसकी इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। तो ऐसे इसका ऑप्शन बनेगा, एक मैन है, मैन के अंदर ये दोनों आएंगे और वोमेन में ये वोमेन इसके अंदर नहीं आएंगी। तो इस तरह इसका बनेगा और इसका आंसर इस तरह बनेगा। तो बहुत इजी है, एक बार वेन डायग्राम के दो तीन ये वीडियो देख के दो तीन क्वेश्चन कर लो, एक मार्कस हर एग्जाम में आता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट में जरूर बता दीजिएगा और सब्सक्राइब हमारे चैनल करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।